हेलो दोस्तों, ये है J2। इसमें बाइक बटन और मिनिमाइज बटन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम होता है वो आपको बताते हैं। ज़्यादातर ये चार्जिंग जैक चेंज करने या माइक चेंज करने के वक्त क्या होता है, ज़रा सा हीट पड़ने की वजह से इसका डायोड जो होता है रेजिस्टेंस हो या डायोड वो कबड़ जाता है उसके बाद, और उससे ऊपर से पता नहीं चलता है, सप्लाई कट जाता है। लेकिन आदमी सोचता है कि टच या और भी कुछ पत्ता वगैरह सब प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कहाँ से यानी इसका सप्लाई है, कैसे यानी आप चेक करें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में आपको फोटो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे यानी जंपरिंग करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जो सप्लाई आपका कटा हुआ रहेगा उसको आप फोटो के जरिए आप जंपरिंग कर सकते हैं, ठीक है। पता कर सकते हैं कि कौन सा सप्लाई कहाँ का है। तो मेरा एक सप्लाई कटा हुआ जो कि हम एक ही जंपर वीडियो में मार के दिखाएंगे, बाकी आपको और भी कटा होगा तो आपको फोटो के माध्यम से आपको डाल देंगे, आप देख के आप आराम से डाल सकते जंपरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। हम आपको जंपरिंग करके दिखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जंपरिंग डायरेक्ट हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ जंपरिंग करने से क्या होगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसे प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ से जंपरिंग करना है वो हम आपको बताते हैं, और आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप फोटो देख के आप जंपरिंग कर सकते हैं। अपना जो फोन में जो ट्रैक कटा हुआ है उसको मीटर से आप चेक करके आप आराम से जंपरिंग कर सकते हैं, जो सप्लाई आपका कटा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ मेरा एक ही सप्लाई कटा हुआ है, इसलिए हम एक ही जंपर किए हुए हैं। तो आपका फ़ोन में कौन सा कटा हुआ आप वहाँ फोटो देख के आप मार सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जंपरिंग एक करके दिखा दिए आपको, दिखाते रहे आप ध्यान से देखें। और जंपरिंग याद रखे, मतलब ऐसे यानी जंपर करे जो एक दूसरे से शॉर्ट ना करे। जैसे मेरा एक ही सप्लाई कटा हुआ है इसीलिए मेरे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दो या तीन यानी सप्लाई कटा हुआ रहेगा तो आप आराम से देख के एक दूसरे से मतलब वायर नहीं टच होना चाहिए, ऐसा आपको जंपरिंग करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम बाकी यानी सॉल्व हो जाएगा, बाकी अच्छा से देख के आप यानी जंपरिंग करें तब जाके आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।